सीएम योगी ने देश की आजादी के बाद पहली बार किया ऐसा काम जिसके लिए यूपी ही नहीं पूरे देश की हर एक महिला कर रही उन्हें सलाम। देश की आजादी के 75 साल बाद पहली बार महिलाओं के सम्मान में हुआ ये काम। योगी के लिए सबसे खास क्यों है प्रदेश की महिलाएं, इसका सबूत यहां मिल गया। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कही ऐसी बात कि हर माँ कहेगी हर बेटा योगी जैसा हो। माँ के समान कोई छाया नहीं, कोई सहा नहीं। योगी की इस लाइन को सुन हर किसी की आंखें नम सी हो गई। जी, कल का दिन यूपी के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सीएम योगी ने देश की महिलाओं के लिए कुछ ऐसा किया कि हर महिला सलाम कर रही है। योगी के लिए प्रदेश की महिलाएं क्यों इतनी खास हैं, इस बात का एक और सबूत कल देखने को मिला जब देश में पहली बार किसी महिला के लिए पूरा दिन समर्पित रहा। योगी ने जब से सीएम पद की कमान संभाली है तभी से प्रदेश की सभी महिलाओं का खास ख्याल रखा है, जिनमें सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी महिला सुरक्षा है। प्रदेश की महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। प्रदेश में हर जगह महिलाएं दिन हो या रात हो कभी भी अकेले निकल सकती हैं। इसके अलावा महिलाओं के सम्मान में महिला सशक्तिकरण मुहिम चलाई जा रही। प्रदेश की सभी योजनाओं में सबसे पहले महिलाओं का ध्यान रखा गया है, जिनमें दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश की सभी महिलाओं को मिल रहा है। योगी को देवी समान औरतों और बेटियों से इतना प्यार क्यों है, ये तो आपने हर त्योहार या किसी कार्यक्रम में जरूर देखा होगा, लेकिन इस देश में महिला को इतना बड़ा सम्मान अगर कोई दे सकता है तो वो योगी ही है। छोटी सी उम्र में माँ से दूर होकर घर परिवार त्यागा, फिर आजीवन भगवान की सेवा में रम गए और संत बन गए। लेकिन संत के बाद जब उन्होंने प्रदेश की गद्दी संभाली तो उनको हर एक माँ से लगाव, प्यार और ममता का दर्द देखने को मिला। लेकिन जब प्रदेश की गद्दी उन्होंने संभाली तभी से माँ से लगाव और प्यार ममता का जो दर्द है उन्होंने हमेशा से महसूस किया और उसी हिसाब से उन्होंने हमेशा महिलाओं का ख्याल रखा। आज देश के हर एक बहन और माँ योगी जैसा भाई और बेटा चाहती है, लेकिन कल के दिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। योगी ने आजादी के 75 साल बाद यूपी विधानसभा का ऐतिहासिक दिन बनाया। योगी ने कल सदन में महिला शक्ति को नमन करके महिलाओं का हौसला बढ़ाया। दूर दराज गांव में स्वास्थ्य की देखभाल कर रही आशा बहनों का मान बढ़ाया। प्रदेश की एनम बहनों, आंगनबाड़ी सेविकाओं की हिम्मत बढ़ाई। 33,000 बैंक सखियों को सम्मान भी दिया। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जला रही शिक्षिकाओं को हिम्मत भी दिया। स्वयं सहायता समूह की बहनों को ऊर्जा प्रदान की तो डॉक्टर, पुलिस, वकील और गृहिणी बहनों को भी बल प्रदान किया। कल का दिन पूरा देश कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। यूपी विधानसभा में कल का दिन ऐतिहासिक बन गया। सदन का नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। यूपी विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती है अध्यक्ष सतीश महाना की बातों से। उन्होंने आते ही कहा कि आज नई सदन के सत्र में नई शुरुआत हुई है। आजादी के 75 साल में पहली बार एक दिन सदन महिलाओं के लिए रखा गया जो योगी के महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए समर्पित है। पूरे देश की नजर आज इस सदन पर है। मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की है। आज महिलाएं सिर्फ अपनी बात बोलेंगी। सीएम योगी का बहुत बहुत आभार। 22 सितंबर का दिन हर वर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाएगा। उसके बाद नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यूपी विधानमंडल आज नई शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। माँ के समान कोई छाया नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ये भाव महिला सशक्तिकरण के प्रति भी होना चाहिए था। भारत में महिला मताधिकार कई देशों के मुकाबले बहुत पहले दे दिया गया था। भारत जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाया वो एक महिला ने ही रचा। शकुंतला, दमयंती, अनुसुईया, सीता, रुक्मणी, द्रौपदी, अहिल्या, गार्गी, अपाला से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने हमें गौरवान्वित महसूस कराया। महिलाओं ने हर एक मुद्दे उठाए और अपने हक की आवाज को बुलंद किया। नारी शक्ति को समर्पित दोनों सदनों में महिला सदस्य ने प्रखरता के साथ अपने अपने मुद्दों को रखा। विधायक अनुपमा जायसवाल ने इस कदम को महिला सशक्तिकरण के उन्नयन की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार यूपी विधानसभा में कुल 47 महिला विधायक है, जिसमें सर्वाधिक संख्या भाजपा की 29 और सहयोगी दल अपना दल की 3 है। इस प्रकार कुल 32 महिला सदस्य भाजपा और भाजपा की सहयोगी पार्टी की है, जबकि मुख्य विपक्षी सपा में 14 और कांग्रेस की 1 महिला सदस्य। महिलाओं के लिए आयोजित इस विशेष चर्चा में 47 में से 40 महिला सदस्यों ने हिस्सा लिया, जबकि उपस्थित नहीं होने की वजह से 7 महिलाएं इस विशेष सत्र में हिस्सा नहीं ले पाई। सपा की पल्लवी पटेल अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाई। महिला विधायक अनुपमा जायसवाल ने सत्र की शुरुआत करते हुए कहा, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए फासले।
दूरी नहीं हमें कोई समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं बस मन चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में हम नंबर वन बनने का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन महिला और महिला विधायक के सम्मान में विशेष माना जा रहा है। ये बाकी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बनेगा और यहाँ से जो गूंज आज जाएगी उसकी धमक वर्षों तक याद की जाएगी। इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र विधानसभा अध्यक्ष। भावुक हुई महिला विधायक महारानी प्रजापति। चर्चा के दौरान अमेठी की सभा विधायक महारानी प्रजापति की जब बारी आई तो उन्होंने अपनी पति व पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का मुद्दा उठाया। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनके साथ आरोपी बनाए गए सभी लोगों की जमानत हो गई है लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। उनकी तबीयत खराब है, बच्चों की शादी तक नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षमा याचना करते हुए कहा कि यदि मेरे पति से कोई गलती हुई है तो उन्हें क्षमा कर दे, सरकार उन्हें जमानत दिलाने में मदद करे। इसके अलावा पूजा सरोज ने भी महिलाओं की आवाज उठाने की बात कही। विधायक अर्चना पांडे ने भी कहा कि प्रदेश महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सभी महिला विधायकों को सम्मानित किया गया। सत्र के अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा में भाग लेने वाली सभी महिला विधायकों को टैबलेट देकर सम्मानित किया। चौथे दिन ये कार्रवाई 8 घंटे तक चली। इस सदन में 38 महिला विधायकों ने हिस्सा लिया, बाकी अनुपस्थित रही। तो महिला के सम्मान में योगी द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।